नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां आरजेडी नेता बीमा भारती के घर पहुंची हुई है पुलिस। बीमा भारती के आवास पर पुलिस की मौजूदगी जांच करने के लिए बताया जा रहा है कि पुलिस टीम बीमा भारती के आवास पर है। पूर्णिया से पुलिस की टीम पहुंची हुई है। बेटे के मामले में ये जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, और आज ही बीमा भारती ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जाकर मुलाकात की। रुपौली सीट से उन्होंने अपना दावा भी ठोका है, और इस वक्त टीम जो है पुलिस टीम पूर्णिया से पहुंची हुई है उनके आवास पर। और इस वक्त बताया जा रहा है कि बेटे को लेकर ये पूछताछ मानी जा रही है, जब पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। हालांकि आज ही देखिए बीमा भारती जो है वो पहुंची लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पूर्णिया के रुपौली से। एक बार फिर से उन्होंने अपना दावा रखा है, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जरा देखिए। नहीं लेना है तो क्या, जांच कीजिएगा, जाएगा थाना, पूछ जांच कीजिएगा। कोनो चोर चिल्लर है जो भाग जाएगा? चोर चिल्लर की बात है, किसी से मार मार के किसी का बेटा का नाम जो है उगल भाई कर रहा है प्रशासन। देखिए नाराज है, बहुत गुस्से में है, सरकार में नहीं है, इसी का सरकार का ही जो गुस्से में है, इस तरह का कर रहा है। नहीं बुलाएंगे, थाना में पूछताछ करते रहिएगा, भेज दीजिएगा थाना। हाँ थाना जाएगा, और पटना संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद बीमा भारती की नाराजगी जो है वो प्रशासन से खुलकर नजर आई। सरकार में नहीं हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाती हुई सुनाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, बीमा भारती जो है वो पूर्णिया पुलिस के रवैये से खासे नाराज है, लेकिन नाराजगी उनकी अपनी जगह है। पुलिस जो है वो अपना कानूनी काम करने आई है, और निश्चित तौर पे चाहे वो तेजस्वी की सरकार रहे या नीतीश कुमार की, हर बार ये कहा जाता है कि कानून अपना काम करेगा, उसी कानून का सम्मान बीमा भारती को करना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ पूर्णिया पुलिस जो है, रुपौली पुलिस जो है, वो इनके आवास पहुंची थी। चूंकि इनके बेटे के ऊपर जो है आरोप है मर्डर का, मर्डर की साजिश रचने का, और जो गतिविधि रही लोकसभा चुनाव के दौरान जो घटना हुई है उसी की जांच करने यहां पे पहुंची है रुपौली पुलिस, तो ऐसे में उन्हें सहयोग करना चाहिए था। लेकिन जो बीमा भारती है वो नाराजगी जता रही है, और साफ तौर पर कह रही है कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए आप मुझे तंग तवा कर रहे हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है, जब अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंची लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, और हाथों में गुलदस्ता लेकर उनके आवास पर वो पहुंची हुई थी। और दूसरी तरफ जब पुलिस उनके आवास पर पहुंचती है पूर्णिया पुलिस, और पूछताछ को लेकर के बताया जा रहा है कि बेटे से संबंधित जानकारी भी ली जा रही थी। सियासी तौर पर देखा जाए तो बीमा भारती के लिए ये वक्त जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आता है। देखिए निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे तस्वीरें जो है वो बता रही है, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि ये मामला जो है वह कानूनी जांच प्रक्रिया के तहत है। पुलिस जो है वो राजनीतिक से प्रेरित होकर के आई है या नहीं आई है वो अपनी जगह है, वो जांच की बात सामने आई है। जो आरोप है वो आरोप संगीन है, वो हत्या से जुड़े हुए मामला है, हत्या से साजिश से जुड़ा हुआ मामला है, और उसी मामले में रुपौली पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची है जांच करने। अमित, लेकिन लालू प्रसाद से जब मुलाकात हुई तो जिस मकसद से वहां पहुंची थी, क्या उसमें कोई आश्वासन, कोई समाधान वहां उन्हें दिखा? देखिए वहां जो बातें दिखी वो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि शाम तक हमें टिकट मिल जाएगा, रुपौली से हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारे पति चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस पहलू की बात कर रहे हैं, जिस खबर पे अभी हम बात कर रहे हैं, वहां पे आप देखिए गौर कीजिए, जब ये लोकसभा की प्रत्याशी हुई थी, जब जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने जा रही थी, तो उस समय भी इनके पति और बेटे को डिटेन किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी इन्होंने नाराजगी जताई थी। विधानसभा सत्र चल रहा था, और उस दौरान भी जब मैंने बीमा भारती से बात किया तो उनका कहना था कि हमेशा मुझे तंग किया जाता है प्रशासन की तरफ से, जब तक हम जेडीयू के साथ थे, सरकार के साथ थे, तो इस तरह की कोई बातें नहीं थी। उस दौर की भी बात को हम दोहराते हैं, आज उस पर चर्चा जो है वो थोड़ी कर लेते हैं, और आज भी वही नाराजगी जो है वो बीमा भारती जता रही है। बीमा भारती साफ तौर पे कह रही है कि हम सरकार में नहीं है, सत्ता से हम अलग हैं, सरकार से हम अलग हैं, इस कारण से हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे बेटे को
झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है यहाँ पे। लेकिन पूर्णिया जो पुलिस है, रुपौली पुलिस है, वो साफ तौर पे उनके अधिकारी हैं जो टीम में आए हैं वो कह रहे हैं कि जांच में सहयोग कीजिए, बेटे को सामने लाइए। तो बीमा भारती कह रही है कि सामने हम नहीं लाएंगे, वो थाने जाएगा और थाने जाकर किसके जो भी पूछताछ करनी है, जब वो थाने जाएगा तो पूछताछ कर लीजिएगा। तो पुलिस का पूछना है यहाँ पे कि कब जाएगा थाने, तो उस पर बीमा भारती चुप्पी का साथ ले रही है और कहीं ना कहीं मीडिया के मार्फत भी उनका दबाव जो है वो पुलिस पर डालने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपना काम कर रही है और जब पुलिस पहुंची है इस खबर को जब हम तो बिल्कुल पुलिस और बीमा भारती के बीच बहस होती हुई भी नजर आई। गोपाल यादव का हत्याकांड में कहीं ना कहीं संलिप्तता और साजिश रचने का आरोप बीमा भारती के बेटे के ऊपर, और पुलिस ने इससे पहले भी पूछताछ की, आज एक बार फिर पहुंची थी, लेकिन बीमा भारती की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से बीमा भारती या उनके पति उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि ये तस्वीर साफ हो जाएगी आज शाम होते होते। आज शाम ही आरजेडी इन दोनों में से किसी एक नाम को अपनी सहमति दे सकती है और सिंबल दिया जा सकता है। राबड़ी देवी आवाज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। सीट को लेकर के बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। 10 जुलाई को इस विधानसभा सीट पर जो है वो मतदान होने हैं और इधर जेडीयू की तरफ से एनडीए की तरफ से प्रत्याशी का घोषणा कर दिया गया है। दादल मंडल को जो है वो प्रत्याशी चुना गया है। और बात अगर महागठबंधन की तरफ से करें तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती ने दावा ठोका और उस दावे पे जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने सहमति जता दी। बीमा भारती ने खुद इस बात की पुष्टि जो है न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है और उन्होंने बताया है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान जो है ये कहा गया कि आपकी मांग हम मानते हैं और आज शाम में ही सिंबल दे दिया जाएगा। बीमा भारती का कहना है कि उन्हें या उनके पति किसी एक को जो है वो सिंबल दिया जाएगा और सिंबल पर ये चुनाव मैदान में जाएंगे। चुनाव मैदान में जाकर के जनता से एक बार फिर से पुनः जो है बहुमत मांगेंगे, अपना समर्थन मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि 2020 में रुपौली विधानसभा की जो जनता है उन्होंने इनको अपना आशीर्वाद दिया था और उसके बाद वो विधायक बनकर के सदन पहुंची थी। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट से जब 2024 में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया आरजेडी की तरफ से, तो ऐसे में उन्हें अपना सीट छोड़ना पड़ा और चूंकि अब वो लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली दावेदारी उनकी ही बनती थी और उसी दावे को ठोकने के लिए राबड़ी देवी की आवाज़ यहाँ पहुंची थी, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात थी। मुलाकात के बाद जो है सहमति जो है वो जताया गया है दोनों की तरफ से और आज शाम जो है वो सिंबल दे दिया जाएगा और इसके साथ जो 10 जुलाई को मतदान होने हैं रुपौली विधानसभा सीट पर, वहाँ से वो अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमाएंगी। वो या उनके पति जो हैं वो आरजेडी की तरफ से महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस बार जनता जो है वो किसे अपना आशीर्वाद देती है, क्या जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देगी या पुनः बीमा भारती या उनके पति पर जो है भरोसा जताते हुए उन्हें विधानसभा सीट जिता कर करके भेजेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। चुनाव है तो स्वाभाविक है कि चर्चा होना ही है, इसलिए आए हैं तो मिलने जा रहे हैं। क्या क्या कुछ बात रखेंगे आप, मानती है कि रुपौली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वहाँ से तो चुनाव लड़ेंगे ही सब, परिवार में कोई न लड़े कोई तो लड़ेंगे ही, रुपौली छोड़ेंगे नहीं ना, ना रुपौली के जनता छोड़ेंगे। जो लोग दावेदारी कर रहे हैं आपके दूसरे जो गठबंधन के लोग हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप, तेजस्वी से बोलेंगे इस बात को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी ऐसा तो सूचना नहीं है कि कोई वहाँ पर दबादारी कर रहे हैं चाहे कुछ, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी अभी तेजस्वी से अभी पहुँचे हैं, पटना पहुँचे हैं, तो क्या बात हुई है, फोन पे बात हुई है तब आप यहाँ आई हैं? हाँ बात हुई है, मिलेंगे तब फिर बताएंगे। अब मानती है कि वहाँ के लिए